हेलो फ्रेंड्स, आज की एक और मस्त वाली वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो होने वाली है रियलमी 7 के ऊपर जो मेजर इश्यूज मेरे को देखने को मिल रहे हैं, जो कि यूट्यूब में स्क्रीन फ्लिकर कर रही थी, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्ड मैंने किया है, तो आप देख सकते हैं जब मैं अपनी पुरानी वीडियोज़ को देख रहा था यूट्यूब पे, एक मैं चेक कर रहा था कि आप लोग का कैसा रिस्पॉन्स है, आप लोग कैसे मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो देखते हैं, यहाँ पर मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड बहुत ही मुश्किल से ऑन किया, उसके बाद आप सबको दिखाना चाहता हूँ। इस तरह से स्क्रीन फ्लिकर कर रही थी, और ये फ्लिकरिंग है कि क्या इशू है मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या आपके फ़ोन में भी इसी तरह के इश्यूज देखने को मिल रहे थे, एक बार कमेंट कीजिएगा। बहुत लोग भाई लोग मेरे सब्सक्राइबर बोल रहे थे कि भाई विशाल भाई, इसका तोड़ बता दो कि कैसे हम लोग इसे सॉल्व करें। तो मैंने बताया था कि मतलब कि पुरानी वीडियोस में मैंने उनको बताया भी था कि कैसे इसे सॉल्व करें। तो भाई मैंने भी वो चीज़, मेरे में भी थोड़ी बहुत स्क्रीन फ्लिकरिंग देखने को मिल रही थी, तो मैंने क्या किया, वो सेटिंग को मैंने खुद अपने फ़ोन में भी अप्लाई करके रखा था। तो कुछ दिन स्क्रीन फ्लिकरिंग जैसी इशू थी, वो कुछ दिन ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आया। उसके बाद रियलमी वालों ने एक अपडेट भी पुश किया था, उसके बाद भी फ़ोन थोड़ा सा तो बग ही कम हुआ था, लेकिन उतना कुछ ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था। तो आज मेरे को ये मतलब कि यूट्यूब में ऐसा देखने को मिल रहा है, मुझे पता ही नहीं मैं अब क्या करूँ। आई डोंट थिंक, ये मेरे साथ 2-3 बार हो गया, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। और बात करते हैं इसकी कैमरा क्वालिटी की, तो कैमरा क्वालिटी में भी कुछ मेजर इंप्रूवमेंट हम लोग को देखने को नहीं मिलते हैं। इसमें बात करते हैं कैमरा क्वालिटी आप सबको इसमें कैसा देखने को मिलता है। तो कैमरा क्वालिटी एवरेज बोल सकता हूँ, 10,000 के जो फ़ोन आते हैं उस तरह का इसमें कैमरा क्वालिटी आप सबको देखने को मिलता है गाइज, ना कि 14,000 वाला। 14,000 रियलमी वालों ने इसके फ़ोन का चार्ज किया है, पर इसका कुछ कैमरा क्वालिटी उतना बढ़िया नहीं है। मैंने इस पर ऊपर प्लास्टिक सटवा दिया है, क्योंकि जब मैं फ़ोन को मेरे बिना कवर के यूज़ करता हूँ, और जब मैं अपने फ़ोन को जेब में रख रहा था, थोड़े बहुत माइनर स्क्रैचेस इसमें देखने को मिल रहे थे। तो मुझे लगा ये भाई पॉलीकार्बोनेट है, तो भयंकर स्क्रैच लगने वाले हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, जाके मतलब कि लोकल मार्केट से इस पर प्लास्टिक सटवा लिया, ठीक है। 50 रुपीज़ मेरे को चार्ज लगे, तो मेरा फ़ोन तो भाई सेफ रहेगा ना थोड़ा सा। इससे आप सबको क्या होता है ना, कि अगर आप फ़ोन 6 महीने 7 महीने बाद भी वो प्लास्टिक निकाल के फेंकोगे ना, तो आपका फ़ोन ऐसा लगेगा कि हाँ भाई फ़ोन अभी 1 महीना ही हुआ है खरीदे हुए, या फिर नया ही तरह का लगेगा। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे फ़ोन को हैंडल करते हैं। और मैं कवर में अभी लगा के रख रहा हूँ, मेरे को कवर में लगाने के बाद ये फ़ोन इतना मोटा लगता है ना, और थोड़ा सा हैवी भी मेरे को लगता है ये थोड़ा फ़ोन, ठीक है। पीछे की तरफ भी बैक पैनल में ग्लास देखने को नहीं मिलता है, जो कि रियलमी 7 प्रो में भी नहीं है, और ना कि रियलमी 7 में। तो मैं रियलमी से यही कहूँगा कि प्लीज़ रियलमी 8 और 8 प्रो में प्लीज़ ग्लास बैक को प्रोवाइड कीजिएगा, जो कि बहुत ही ज़रूरत, या फिर रियलमी 8 प्रो जो नेक्स्ट जनरेशन रियलमी 8 सीरीज़ के आने वाले हैं, तो उसमें रियलमी कुछ मेज़र इंप्रूवमेंट करे। और बात करते हैं इसकी UI की, तो UI भी मुझे बहुत ही ज़्यादा लैगी मिला, ठीक है। और बात करते हैं इसकी व्यूइंग डिस्प्ले के पैनल की, तो व्यूइंग एंगल्स भी मुझे ठीक ठाक देखने को मिले, काम चल रहा था अपना, और डायरेक्ट सनलाइट में भी मतलब कि विजिबल है पहले से, तो बहुत ही काफ़ी अच्छा है। और जैसे कि मैंने पीछे बैक पैनल पे स्टिकर सटवाया है, उससे तो मुझे काफ़ी राहत मिली है, स्क्रैचेस मेरे फ़ोन पे नहीं लगते हैं, और काफ़ी फ़ोन सेफ भी रहता है। और जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उससे भी थोड़े बहुत स्क्रैचेस लगते हैं, तो वो भी मेरा फ़ोन में उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलता है। और बात करते हैं फ़ोन की कैमरा की, तो कैमरा अभी भी ठीक ठाक है, इसे भी मेजर अपडेट की ज़रूरत है, जो कि मुझे लगता है कि रियलमी को पुश करना चाहिए जल्दी से जल्दी। अभी भी इसका UI जो है वो थोड़ा बहुत ही लैगी अभी भी है, जो कि मुझे देखने को मिलता है। और बात करते हैं पीछे कैमरा की, तो गाइस कैमरा मेरा थोड़ा, देख सकते हैं आप यहाँ पर मेरा थोड़ा सा स्क्रैच लग चुका है, पता नहीं कैसे लग गया, ठीक है। और देख सकते हैं मैंने प्लास्टिक जो सटवा के रखा है, वो थोड़ा सा साइड से निकल रहा है, क्योंकि मेरे को कवर निकालना पड़ता है, सिम चेंज करता हूँ, जब भी कोई दूसरा फ़ोन आता है मेरे को टेस्ट करना पड़ता है, तो मैं इसे ऐसे करता हूँ, इसलिए मेरा कवर मतलब कि अगर आप कवर से नहीं निकालेंगे फ़ोन को, तो आपको उतनी ज़्यादा कुछ खास प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। और बात करते हैं इसका बैक पैनल का, तो वो मतलब कि ठीक ठाक, ये प्लास्टिक मतलब कि बहुत ही पतला सा प्लास्टिक दिया है पीछे की तरफ, पता नहीं ये कैसे हो गया, मतलब कि थोड़ा सा वो प्रेस करते हैं ना, तो थोड़ा सा दबता है अंदर। अगर आप भी रियलमी 7 यूज़ कर रहे हो, तो गाइज एक बार जरूर से चेकआउट करना, पीछे से थोड़ा थोड़ा रियलमी 7 जो वो दबता है, लगता है इसके अंदर थोड़ा सा कोई गड्ढा है। थिंक मैन्युफैक्चरिंग के वक्त कुछ कुछ हो जाता है इफेक्ट, तो इसमें भी थोड़ा सा मेरे में यूनिट में इफेक्ट देखने को मिल रहा है गाइज। और बात करते हैं, देख सकते हैं नीचे मैंने स्पीकर की तरफ चारों तरफ स्टिकर सटवा के रखा है, तो मेरा फ़ोन काफ़ी ज़्यादा सेफ जो हो जाता है गाइज। और बात करते हैं इसकी लॉक और फिंगरप्रिंट क्वालिटी, अगर आपका हाथ जो पानी में थोड़ा, हाथ में आपका पानी लगा हुआ है या फिर डस्ट लगा हुआ है, तो ये फिंगरप्रिंट रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाता है, कि मतलब कि बहुत ही ज़्यादा 10 बार से मानिए ना कि 6 बार ही ये खुलेगा, तो ये थोड़ी बहुत माइनर सी प्रॉब्लम मेरे को देखने को मिली। अगर आपका हाथ मतलब कि हाथ में पानी लगा है, डस्ट नहीं लगा हुआ है, तो ये फिंगरप्रिंट काफ़ी मतलब कि अच्छे से खुल जाता है गाइज। और मुझे एक बात और रियलमी को कहनी थी, जो आपका ये जो कैमरा सेंसर है, यहाँ पर आप अगर गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दे देते जो ग्लास है यहाँ ऊपर का, तो मुझे काफ़ी अच्छा बात हो जाता गाइज, क्योंकि इसमें देख सकते हैं मेरा थोड़ा सा स्क्रैचेज लग गया है। और ये तो भाई भगवान की खुशी मानिए कि बीच वाला कैमरा में स्क्रैच नहीं लगा है, वो डेप्थ सेंसर है,
या फिर मैक्रो कैमरा। मैक्रो कैमरा तो इसका इतना फालतू देखने को मिलता है गाइस, क्या ही बताऊँ। तो यही थी आज की वीडियो में, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल।